राम राम जी। लो जी, फिर आ लिया संदीप कटवालिया भाई। तीन सुपरस्टारों के गाने आए थे और उनमें से किसने बाजी मारी हम बतावेंगे आज आपको। सुमित गोस्वामी, जिकर तेरा, खास साढ़ा चार एंड केडी देसी, और गुलजार छानी वाला भाई का तो आपने बेराए है सिंपल लाइफ, भोले बाबा का गाना आया था। तो इसमें कौन जीता कौन आ रहा ये कोई भाई हमारा किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का मकसद नहीं इस वीडियो में। ये प्यार की लड़ाई है और आपस में जो है कंपटीशन नहीं होगा तो एक दूसरा के नहीं जा पाओगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। भाई सबसे पहले सुमित गोस्वामी भाई का जो गाना आया था वो आया था जिक्र तेरा। 24 घंटे के अंदर उसके 1 मिलियन व्यूज हो चुके थे। जी हाँ, 24 घंटे की ही हम एस्टिमेट लगा रहे हैं भाई। और उसके बाद बात करते हैं खास साढ़ा चार और केडी भाई ने मिलके एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा गाना लेकर आए थे देसी। जी हाँ, उसके 24 घंटे के अंदर 2.5 मिलियन से ऊपर जो है व्यूज हो चुके थे सुमित गोस्वामी भाई के। 1 मिलियन थे 24 घंटे में। और यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मारते हुए नज़र आए खास साढ़ा चार और केडी भाई, 2.5 मिलियन से ऊपर 24 घंटे में देसी गाने के व्यूज हो चुके थे, जो वाइट इलाकर नव हरियाणवी चैनल पर आया था। और भाई उसके बाद भोले बाबा का सिंपल लाइफ वाइट हिल धाकड़ पर गुलजार छानी वाला भाई का आया था, 24 घंटे के अंदर 4 मिलियन से ऊपर उसके व्यूज हो गए थे। तो इनमें से जो प्यार का कंपटीशन था वीजी रहे गुलजार छानी वाला, जिनका गाना ट्रेंड में भी चला। वैसे हमारे लिए सारे कलाकार एक समान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए, चाहे छोटा कलाकार चाहे कोई बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, कला को सलाम है भाई। जो सब ने अच्छे अच्छे गाने किए, इनके गाने भी आगे निकले हैं इन कलाकारों के, जिनका मैंने सुमित गोस्वामी के और केडी भाई तो हालांकि सुपरस्टार है ही शुरू से, उस्ताद बोलता हूँ मैं उनको। तो भाई